जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग समरी पढ़ के भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों ने इसमें से 5 नंबर भी लेने हैं। तो आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में हमने काइंड ऑफ नाउन भी दिए गए हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सरसाइज में बेशक बार बार चीज़ें रिपीट हों, मैं बार बार करवाऊँगा, तो उसके अलावा भी ग्रामर का पोर्शन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पोइट इज ट्रिब्यूट टू नेचर एंड इट्स मैग्निफेस्टेशन। इट प्रेजेंट्स बिफोर अस द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द प्योरिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू द डेफोडिल्स रिप्रेजेंट्स इन दिस पोएम। तो पोएम में डेफोडिल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। दे रिप्रेजेंट्स द एजेंट और सोर्स दैट प्रोवाइड अस डिलाइट एंड रिलीव्स अस ऑफ द टेंशन एंड स्ट्रेन ऑफ लाइफ। दे सिंबलाइज द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वेल्थ डू मेमोराइज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट। मेमोराइज जो हैं वेल्थ, वो उसको क्या क्यों कहा है, दौलत किस तरह मुहैया करता है वो। मेमोराइज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो वो खुशियों की दौलत देता है। वेन एवर ही रिकॉल्स द सीन ही इज प्लेस्ड हिज हार्ट बिगन्स टू डांस इन डिलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द वर्ड दैट हाई टेन the sound effect in the poem. Fluttering, dancing, stretched, tossing, waves, sparkling, sound, gaze, show, flash, bliss, player, fills, and jocund company. तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें ये वाले वर्ड्स जो हैं इस पोइम, तो बेटा ये वाले वर्ड्स जो हैं इसमें नज़म में सूती असर उजागर करते हैं। तो हाउ हैज़ द पोइट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। तो इसमें कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज जो है टर्म्स, ये लिटरेरी टर्म है फिगरेटिव लैंग्वेज, तो इसमें जो यूज़ हुई हैं वो भी मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ इसके फौरन बाद ही। द पोइट हैज़ यूज्ड सिमिली एंड मेटाफर इन दिस पोएम। तो सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है, मैं इसके फौरन बाद बता देता हूँ आपको। These figures of speech enhance the beauty and charm of the poem. The figurative language is as they stretched in never-ending line, and 10,000 saw I at a glance. तो अब मैंने आप लोगों को ये बताना है कि simile क्या होता है। Simile बेटा होता है, simile is a figure of speech in which like or as is used to make comparison between two ideas that are basically dissimilar, जो कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। दो आइडियाज़ जो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों उनका कंपैरिजन करने के लिए जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, ठीक है, उसकी आँखें और स्टार जो हैं दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको हमने ट्विंकल्ड लाइट लाइक कर दिया है, ठीक है, तो ये सिमिली हो गया, ठीक है। जी तो मेटाफर बेटा क्या होता है, मेटाफर होता है इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। जब हम दो चीज़ों में मुकाबला कर रहे हों, कंपैरिजन कर रहे हों और लफ्ज़ लाइक्ड या एज जो है या देन है इनको निकाल दें तो हम मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, ठीक है, तो लाइक वगैरह इसमें नहीं आया, तो ही प्रूव्ड अ लाइन, ठीक है, उसने शेर साबित किया खुद को फाइट में, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास मेटाफर आ गया। मेटाफर और सिमिली की आपको समझ आ गई है। इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे आप लोगों के उर्दू से इंग्लिश जो हैं, सॉरी, इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे आप लोगों के यूज़ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, के जैसे वर्ड्स आते थे फ्रेजल वर्ब्स आते थे, ठीक है, इसी तरह प्रीपोजिशंस भी आ जाती हैं। बिहाइंड, इसको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है पीछे, ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी। बिसाइड कुत्ता के करीब, द बेबी इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। नेक्स्ट टू अगला, हु इज़ नेक्स्ट टू अहमद इन द लिस्ट। अंडर
नीचे द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल ओवर ऊपर ही वॉक्ड ओवर द फील्ड अलोंग होता है साथ कम अलोंग मी एंड अक्रॉस होता है आर पार वी स्वैम अक्रॉस द रिवर। तो बेटा इसके बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाना है, मैं तेज़ी से पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ नाउन जो कि ऑलरेडी हमने पढ़े हैं कि नाउन जो है किसी चीज़ शख्स और जगह का नाम होता है, इसको आगे फर्दर टू टाइप्स में मैंने डिवाइड किया था, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ अभी, पढ़ाया मैंने पहले है आपको इसके पिछले लेक्चर में। तो बेटा दो टाइप्स में डिवाइड करता हूँ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं? जो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल जो गिने नहीं जा सकते। जो गिने जा सकते हैं काउंटेबल वो सी से ही बनते हैं, कलेक्टिव एंड कॉमन। तो कॉमन कौन से होते हैं? जो आम चीज़ आम शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे हमारे पास था विलेज, बॉय, कार, कंट्री, सिटी, डियर, शीप एंड फ्लावर, ठीक है। और इसी तरह कलेक्टिव नाउन जो हैं ये नेशन, आर्मी, टीम, क्लास एंड कमेटी एंड ज्यूरी, ठीक है, ये आपके काउंटेबल भी होते हैं। अनकाउंटेबल जो गिने नहीं जा सकते, जैसा कि हमारे पास है बेटा प्रॉपर नाउन दी होली कुरान, मुल्तान, एशिया, अनवर एंड सुजुकी, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास प्रॉपर नाउन हैं जो ख़ास चीज़ ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको काउंट ये काउंटेबल भी नहीं होते क्योंकि ये सिंगल होते हैं, ये ख़ास होते हैं, इनकी जमा नहीं बन सकती, ठीक है। देन हमारे पास मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है? मैंने आपको बताया था जो खाम माल से चीज़ तैयार हो, ठीक है, जिस तरह सिल्वर है हमारे पास, आयरन, गोल्ड, वुड, फ्लोर, मिल्क एंड प्लास्टिक। तो इन तमाम चीज़ों से, जैसे गोल्ड है तो इससे हम क्या, ये गोल्ड क्या खाम माल है, इससे आगे मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, रिंग है, ब्रेसलेट है, तो वो आगे कॉमन नाउन में चले जाएंगे। तो मटेरियल नाउन तब तक है जब तक ये खाम माल में है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसी चीज़ जिसका ठोस वजूद ना हो, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, देख ना सकें, छू ना सकें, जैसे फुलिशनेस, विजडम, ऑनेस्टी, प्लेयर, जॉय, पेन, सॉरो, लव, डेथ, ब्यूटी, लाफ्टर, यूथ, चाइल्डहुड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क एंड बिजनेस था, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे। तो बेटा आज हम इसके आगे जो कलेक्टिव नाउन है इसकी मज़ीद जो चार सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं। आ कलेक्टिव ऑफ शिप्स, ठीक है, तो शिप्स जो हैं, कश्तियां जो हैं, उनकी जो कलेक्शन है उसको बेटा फ्लीट बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ सिंगल्स को बैंड बोलते हैं। एंड अ कलेक्शन ऑफ कैटल जो है इसको हर्ड बोलते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ सोल्जर इसको आर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आज का आप लोगों का जो हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा। तो इसके साथ बेटा हम लोग आप लोगों के पार्टिसिपल्स डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपल जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पार्टिसिपल हम आज पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म होती है, आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म होती है। पहला रूल कि आपकी आईएनजी वाली फॉर्म जहां पर भी है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे? वी आर डांसिंग, शी इज रनिंग एंड यू आर कमिंग। यहाँ पर कमिंग, रनिंग एंड डांसिंग जो है ये बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा रूल, आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। दिस इज अ वेरी चार्मिंग साइट, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग इनके बाद नाउन आया है, या जो एडवर्ब या एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो यहाँ पर चार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग बेटा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि आपकी आईएनजी वाली फॉर्म या तो टेंस में यूज हो, आईएनजी वाली फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, या अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलते हैं। इसी तरह आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। किसी भी टेंस में जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है ना वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। वी हैव प्लेड हॉकी, द बेबी हैज गॉन, शी हैज ड्रंक मिल्क। यहां पर ड्रंक, गॉन एंड प्लेड जो है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने पढ़ा वैसे ही अगर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है
और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो तो उसको भी हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ही गॉट एनॉयड, तो गॉट भी हमारे पास वर्ब है लेकिन एनॉयड है, ठीक है। तो एनॉयड क्या है, आपके पास एडजेक्टिव है। हीज स्टोलन वॉच वॉज वेरी कॉस्ट, हीज स्टोलन वॉच वॉज वेरी कॉस्टली, तो स्टोलन वॉच है। देखें वॉच आ गया तो वॉच के साथ क्या लगाया आपका, स्टोलन। तो स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। ही फील्स इरिटेटेड, तो इरिटेटेड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इरिटेटेड, स्टोलन एंड अनॉयड जो है बेटा एडजेक्टिव हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो है बहुत बहुत मुफीद इंफॉर्मेटिव जो है वो रहा होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो है उसके लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।